गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी विषय हिंदी पार्ट एक पढ़ेंगे, जो कि कविता है। इस कविता का नाम है कर्मवीर। ये कविता आलस्य न करने और जीवन में कर्म की प्रधानता बताता है। अपने जो काम है, काम करने से ही जो व्यक्ति सफल होता है, इस कविता में आपको यह शिक्षा दी है कवि ने कि कर्म को प्रधानता दी है, कि व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए कभी भी किसी बात में। तो आओ बच्चों, आप भी अगर आपके पास किताब है तो आप किताब खोलकर बैठिए, मैं दो दो पंक्ति पढ़ के आपको अर्थ समझाऊंगी। सिर पर लटक रहे हो, जाना हो न जरा भी दूर, बिना हाथ से तोड़े मुंह में कैसे आ सकते अंगूर। तो इस पंक्तियों के अर्थ क्या है बच्चों, कि जैसे सिर पर अगर अंगूर के गुच्छे लटक रहे हैं तो क्या वो अपने आप अपने मुंह में आ सकते हैं क्या? अपन अगर बिना हाथ के उनको तोड़कर अपने मुंह में नहीं रखेंगे तो क्या वो अपने मुंह में अपने आप आ सकते हैं क्या? तो इसके लिए अपन को कर्म करना पड़ेगा, आलस्य छोड़ना पड़ेगा। आम आम के कहने से कभी न पा सकते आम, आम अगर पाना चाहो तो करना ही होगा कुछ काम। अगर अपन को कुछ काम, कुछ चीज की जरूरत है कि आज हमको आम खाना है, तो अपन को बाजार जाना पड़ेगा, बाजार जाके आम खरीद के लाने पड़ेंगे, तो फिर ही अपन को आम खाने को मिलेंगे। इसका, इन पंक्तियों का भी यही अर्थ है कि बच्चों हमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। पड़े आलसी सपने में सोने का महल बनाते हैं, कर्मवीर कर काम जगत में सब कुछ ही पा जाते हैं। जो आलसी लोग सपने में पड़े हुए रहते हैं और सपने देखते रहते हैं कि महल बन गया, ये लिया है हम, ये चीज खा ली हमने, ये कर ली, बस सोए सोचते रहते हैं और सपने देखते रहते हैं। लेकिन जो उठकर काम कर लेते हैं, बाजार चले जाते हैं, उनको जो चीज चाहिए वो लेके आ जाते हैं, अपने जो भी काम रहते हैं वो उठकर अपने हाथों से करते हैं, तो वो जीवन में और संसार में सब कुछ पा लेते हैं। तो इस कविता से आपको यही शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें सदा कर्मवीर बनते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, अपन को कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। इस पाठ के पीछे शब्दार्थ भी दे रखे हैं, अगर आपके पास किताब है तो आप इसमें से आप शब्दार्थ भी लिख सकते हैं। ये नीचे दे रखे हैं, बिल्कुल पाठ के नीचे ही है। अगर नहीं है तो मैं आपको फोटो भेज दूंगी बच्चों। बस आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ की फोटो मैं आपको भेज दूंगी। बाय बच्चों।